ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। रिटायरमेंट के लिए पैसा लगाना दिल खोल कर खरीद लो। चलिए जानते हैं कौन सा स्टॉक है, क्या इसका फंडामेंटल है, क्या टेक्निकल है और कौन से लेवल पे हमें इसे बाय करना चाहिए। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा लीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए हम अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे रिटर्न प्रोफाइल से। ये स्टॉक ने पिछले 10 साल में 795% का एक बेहतरीन रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 254 का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में आप देख लीजिए 98% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में 17% का रिटर्न दिया है। हालांकि आज थोड़ा सा डाउन साइड है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेलेंट क्वालिटी का यह स्टॉक है, एक्सेलेंट क्वालिटी बाय मैनेजमेंट, रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसके नेट इंटरेस्ट इनकम देख लीजिए 25.38%, आप इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए 26.49%, आप इसके ग्रोथ एनपीए देख लीजिए 2.14%, आप इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लीजिए 4.60%। अब हम इसके वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड करा है। जो भी वैल्यू 1133 के ऊपर होगी ये इसको वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे डालेगा। आप इसकी पी रेशियो देख लीजिए 16.07%, आप इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिएगा 6.81%, आप इसकी पीजी रेशियो देख लीजिए 3.18%, आप इसके आरओई देख लीजिए 11.34%। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये बैंकिंग स्टॉक है। चलिए जानते हैं इसका क्वार्टर रिजल्ट क्या हमें दिखाता है। आप इसका इंटरेस्ट अर्न देख लीजिए 2.43%, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड है। आप इसके नेट एनपीएस देख लीजिए, जिसमें थोड़ी सी हल्की सी डाउन साइड दिखाई दे रही है, लेकिन ये कोई ज्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं दिख रही है मेरे को। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 9.05%, जो कि एक बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। अब हम एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ईयर टू ईयर रिजल्ट होता है। आप इसमें इंटरेस्ट ऑन देख लीजिए 21.24%, एक बढ़िया अपसाइड दिखाई दे रही है। नेट एमपीएस देख लीजिए, नेट एनपीएस दिखाई दे रहा है आपको डाउन साइड, मीन्स कि ये बढ़िया बात होती है कोई भी कंपनी में, जो नेट एमपीएस पिछले ईयर के इस ईयर में डाउन साइड जाती है तो उसमें एक बढ़िया बात दिखाई देती है। इसीलिए देख रही है इधर माइनस है फिर भी ग्रीन दिखा रहा है, मीन्स कि जितना नेट एनपीएस कम उतना कंपनी के लिए अच्छा होता है बैंकिंग स्टॉक में। आप इसके नेट प्रॉफिट देख लीजिए 19.12%। अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर ने अपने पास 29.99% की एक होल्डिंग रखी हुई है, जिसने पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 0.02% डिक्रीज किया है। आप इसमें एफआईएस की होल्डिंग देख लीजिए 14.27% की होल्डिंग है, जिसमें 599 एफआईएस ने इन्वेस्ट किया है। आप इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए 8.39% की होल्डिंग है, जिसने भी पिछले क्वार्टर में इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। प्रमोटर ने अपना एक भी स्टॉक गिरवी नहीं रखा, जो कि एक बढ़िया बात है। चलिए अब जानते हैं कौन सा स्टॉक है, कौन से टेक्निकल पे हमें बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे हमें एक बढ़िया मुनाफा हो सके। और आपको भी किसी भी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो और जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसको आपको एक पता चल सके। और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो हम हर रोज हर दिन लाते रहते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आप इसका चार्ट देख लीजिए, लगातार अप ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसने इधर से डाउन साइड दी थी, इधर एक आपके पास एक बढ़िया मौका था, अगर आपने इधर एक खरीदा है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बढ़िया मौका है। आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, आगे भी इसने सपोर्ट लिए और अभी भी लास्ट टाइम भी इसने इधर सपोर्ट लिया हुआ है। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी हम क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको नहीं बाय कर सकते। अभी हमें क्या करना है कि जो इसकी ये सपोर्ट लाइन है और जो इसके ये ट्रेंड लाइन है, जिसको भी सपोर्ट लाइन हम बोल सकते हैं, उसके पास आए तब हम उसको बाय कर सकते हैं। तो उसका जोन क्या बनता है, उसका जोन बनता है 1300 लेके 1400 लेके, जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, उसके बीच में आपको कहीं भी मिल जाए तो आप उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया बाय कर सकते हैं। जो इसका जो ये जोन है वो 1300 लेके 1400 तक है।
अगर आपको भी किसी भी स्टॉक के बारे में क्वेरी हो, जैसे मैंने आगे भी बताया, आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।